क्यों खुश हो रहा है इतना? इधर आओ। क्या बोला? पापा ने बोला कि आधार कार्ड दिखा दो फिर ही शादी में जाएंगे। ऐसे बोले? अब तो शादी में जाएंगे। आधार कार्ड दिखा के कौन शादी में जाता है? अरे तो मुमल शादी में जा रही, तो उनका मुमल शादी में जा रही, मुमल और शादी में नहीं जा रहे, तो उनका आधार कार्ड नहीं आया, इसीलिए वो शादी में नहीं जा रहे। उनका जब आधार कार्ड आएगा फिर वो मुमल और तो किसने बोला है कि आधार कार्ड दिखा के शादी में जाते हैं? किसने बोला ये? अरे पीयूष दीदी ने बोला। तुम पागल तो नहीं हो? मैं सब पागल ही बोलते हैं, सब मुझे पागल ही। सो गाइस, अभी मैं बनाने रही हूँ राखियाँ, वापस से स्टार्ट मेरा डेली का जो काम है राखी बनाने का, वो कर रही हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो। गाइस देखिए, राशि जो है वो बूढ़ी हो गई है, उसके बाल सफेद हो गए हैं। देखो आप बूढ़े हो गए हो। सब लोग मुझे बूढ़ी नहीं बोलते क्योंकि मैं सब लोग को अच्छी लगती हूँ, क्योंकि क्या खा रहे हो आप? चावल खा रहे हो। चावल के साथ सब्जी क्या बनाई है? राजमा और चावल आपके फेवरेट है? चावल में मुझे पसंद लगता है, रोटी भी खाती हूँ, चावल रोटी भी खाती हूँ, रोटी भी पसंद लगती है। मैं सोची भाई की रोटी कहाँ से आ रही है, और मैं आपको देखी आपने हम लोगों ने बनाई। मैं सोची भाई जी टॉर्च कहाँ से आ रही है, फिर मैं आपको देखा आपको मुझे वीडियो में आपके वीडियो में। सो गाइज, यहाँ पे मैं शादी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे शर्ट, हस्बैंड का जो शर्ट है वो प्रेस कर रही थी शादी में जाने के लिए, उनका फ़ोन आया था। मतलब कपड़े तो मैं ही प्रेस करती हूँ, इसलिए तो ये भी चल रही है यहाँ पे प्रेसिंग। उसके बाद में मैं अपना हाथ मुँह धो के मैं भी तैयार होंगी। तो ये मैं शाम का, अभी मैं कॉफ़ी बना रही हूँ मेरे लिए थोड़ी सी, और थोड़े फिर ये मौसम देखो कितना अच्छा हो गया। ये कॉफ़ी छोड़कर मैं मौसम देखने लग गई, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, पेड़ और बहुत तेज़ से हिल रहे थे, उसमें कम दिख रहे हैं, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम अच्छा हो गया था। तो मैं अब कॉफ़ी को भी छोड़ आई, बाहर आ गई देखने के लिए मौसम को। मज़ा आता है ऐसे मौसम का, जयपुर में ज़्यादातर ऐसा ही मौसम रहता है। ये देखो सामने बादल दिखा रही थी मैं आपको, पता नहीं कौन सी शेप हो रही थी, पता नहीं क्या, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे ऐसा लग रहा था कोई शेर की खाल बिछा दी है किसी ने। हाँ बोल, क्या कह रही है? ड्रेस और उड़ी। क्या? ड्रेस करो उसको। ड्रेस को क्या करूँ? मेरी हीरो को ने जो ड्रेस दी थी वो ड्रेस करो, प्रेस करो उसको, ये वाला फिर बनाना मुझे। ओके जल्दी करो यार, मम्मी लेट हो रहा है, मुझे शादी में जाना है। आज किसकी शादी है? जल्दी करो मम्मी, शादी में जाना है, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है। सो ये मैं तैयार होने के बाद मैं अपना आपको लुक दिखा रही थी। मेरा तो ससुराल की शादी है इसलिए सर पे ओढ़ना था, तो कोई हेयर स्टाइल या कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि वहाँ पे घूंघट भी करना था, तो इसलिए बस लाइट मेकअप ही मैंने किया था। तो मैं दिखा रही थी, आप बताना मुझे कैसी लग रही हो। मेरी चूड़ियाँ है, ये वाला मैंने सेट किया था इस पर। सो गाइज, ये है जहाँ पे शादी है, ये वेन्यू है, मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है। ये देखिए एंट्री में आपको दिखा रही थी, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट। तो गाइज़ यहाँ पे ये दूल्हे की जो बहनें हैं वो डांस कर रही थी, दूल्हे की बहनें हैं पांच, तो वो बहनें डांस कर रही थी। वीडियो फास्ट कर रखा है मैंने ताकि
वीडियो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में आपको दिखा सकूं। ये राशि का लुक दिखा रही थी मैं आपको, राशि कैसी लग रही थी बताना। ये देखो दूल्हे की बहनें और बाकी रिश्तेदार वगैरह डांस कर रहे हैं, और पांच बहनों की बाद में भाई की शादी हुई है तो ज़्यादा अच्छी धूमधाम से शादी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। बहनें भी बहुत खुश हो रही थी, डांस कर रही थी। यहाँ पे ये खाने का टाइमिंग हो चुका है, यहाँ पे दिखाकर खिला रहे थे, दिखाकर खिलाना बहुत अच्छा होता है, अच्छे से खाते हैं बच्चे। सभी देखो खाने में है मिक्स की सब्जी और पनीर की सब्जी पूरी और बाकी सब मीठा था। ये सब मेरी रिश्तेदार वगैरह आज बेटी वीडियो बनाते हैं मेरे साथ। सो यहाँ पे छोटी छोटी गर्ल्स डांस कर रही थी, उनका मैं डांस दिखा रही थी आपको, और शादी में सभी इंजॉय कर रहे थे तो ये बच्चे भी इंजॉय करने में कमी नहीं छोड़ रहे थे। सभी बच्चे भी आगे यहाँ पे डांस कर रहे थे, दूल्हे की भांजियाँ लगती हैं शायद, ये सभी डांस कर रही थी अपने अपने बच्चे के जिस स्टेप। गाइस ये भारत जोड़ो वाला सड़क बनाई है यहाँ जयपुर में, जिसमें बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह है, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। बहुत सुंदर लगती है, इस रोड पे चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर पुल पे जब अपन इस रोड पे चलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कोई सपनों की दुनिया में आ गए। लाइटिंग ही लाइटिंग, और जो अपने राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका कलर उस पर है ऊपर वाली जो लाइट्स है उन पर, और बहुत सुंदर लगता है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। और गाइस शादी में ना इतने लोग मुझे मिल रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था कि सब कह रहे थे आपका यूट्यूब पे चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सुन के, ये देख के कि चलो लोग अब मुझे पहचानने लगे, जो लोग मुझे नहीं जानते।